स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सेट थ्री ऑन टॉप एम ऑफ इंडियन पॉलिटी अगर आपने सेट वन और सेट टू नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोवल फीचर ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर इनोमरेटेड इन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डी पी एस पी ये किस पार्ट के अंदर आते हैं तो ऑप्शन सर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये किस पार्ट के अंदर आते हैं पार्ट फोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी पहला पार्ट जो है इट डील्स विद द यूनियन एंड टेरिटरीज पार्ट सेकंड जो है डील्स विद द सिटीजनशिप और पार्ट थर्ड जो है इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखते हैं द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड टू एटीन ईयर्स फ्राम ट्वेंटी वन ईयर्स इन 1989 बाय नाइन विच अमेंडमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो वोटिंग एज थी पहले इट वाज 21 इयर्स इसको रिड्यूस कर दिया गया 18 इयर्स किस साल में 1989 नाइन किस अमेंडमेंट के द्वारा ये जो है चेंज की गई थी तो ऑप्शन आर फोटी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन सेवनटी सिक्स सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन नाइनटी टू सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन एटी एट नन ऑफ द एबू इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ़ नाइनटीन ऐटी एट ये जो अगर हम ऑप्शन वन को देखेंगे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई और जो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट है ऑफ़ नाइनटीन नाइनटी टू इट डील्स विद द पंचायती राज ठीक है इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया गया था क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर चार्जड ऑन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस फंड में से निकलते हैं दो ऑप्शन आर कंटीजेंसी फंड कंसॉलिडेटेड फंड बूथ ए एंड बी नान ऑफ तैबू इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर चार हमारे पास है द ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिन नॉट प्रोवाइड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज of the citizens these वर added on the रिकमेंडेशन of swaran सिंह कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन में ही है आपको देखने को मिलेंगी बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी सवारंग सिंह की कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई और यह कौन सी अमेंडमेंट थी ऑप्शन सार फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन नाइनटी टू सिक्सटी फर्स्ट अमेडमेंट ऑफ नाइनटीन एटी एट इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन ए ऑफ नाइनटीन सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास है आर्टिकल फिफ्टी वन ए याद रखिए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज अलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी ड्यूटीज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज अलेवन द अलेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द ऑप्शन आर फोटी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन सेवनटी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन नाइनटी अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन एटी अमेंडमेंट ऑफ टू इसका जो सही जवाब है डेट इज एटी सिक्स अमेंडमेंट ऑफ टू टू के द्वारा अलेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो इसमें ऐड की गई वो ड्यूटी क्या है कि कि अपने बच्चों को जो छह से चौदह साल की एज के हैं उनको पढ़ाना उनको तालीम दिलवाना ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स डेट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द स्टेट द ऑप्शन आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल ट्वेंटी सेवन आर्टिकल सिक्सटी नान ऑफ दैबो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ आर्टिकल ट्वेंटी सेवन बी पार्ट आर्टिकल फोटीन क्या है इक्वल्टी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और ये जो आर्टिकल सिक्सटीन है ये क्या है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये सभी आर्टिकल्स आर्टिकल फोटीन ट्वेंटी सेवन एंड सिक्सटीन ये किसके अंडर आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर और फंडामेंटल राइट right किस पार्ट में आते हैं पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है विद शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज कौन सा शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद द सीट्स इन राज्यसभा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द ऑप्शन आर फर्स्ट शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल अलेवन्थ शेड्यूल तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज क्वेश्चन नंबर एट को हम लोग देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एथोराइज द पार्लियामेंट टू इंक्रीज आर डिक्रीज द एरिया ऑफ एन स्टेट ठीक है अल्टर द बाउंड्रीज यानी बाउंड्रीज चेंज करना एरिया चेंज करना नाम चेंज करना नई स्टेट बनाना ये किस आर्टिकल के अंडर आता है द ऑप्शन है आर्टिकल थ्री आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल ट्वेंटी वन ए नो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए आर्टिकल थ्री ऑप्शन बी जो हमारे पास right है आर्टिकल थर्टी टू इट इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ठीक है ऑप्शन सी जो हमारे पास है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए इट वॉज अमेंडेड बाई द एटी सिक्स एमेंडमेंट ऑफ टू ठीक है इसने क्या बना दिया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को बना दिया फंडामेंटल राइट क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया तो आर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर इसका जो सही जवाब है डेट इज़ पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज़ सी ऑप्शन इज नोन एज मैगना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैगना कार्टा क्या था मैगना कार्टा वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स इट आज़ इशूड बाई किंग जॉन्स किसने इशू किया था किंग जॉन्स और ये कहाँ का था इंग्लैंड का और कब इशू किया था ट्वेल्व फिफ्टीन में ठीक है तो इट वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स और पार्ट थ्री में भी हमारे यहाँ क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डेट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज द मैगना कार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन इट्स प्रैक्टिस कौन सा डील करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ द ऑप्शन आर आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल सेवनटीन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सेवनटीन्स इट डील्स विद द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और ये जो साठ सारे आर्टिकल हैं बारह से लेकर पैंतीस तक दीज आर बेसिकली द फंडामेंटल राइट्स ठीक है और ये किस पार्ट में आते हैं पार्ट थर्ड ऑफ तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको और क्या कहा जाता है मैग्ना काटा ऑफ इंडिया तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत शुक्रिया